जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सैनिटाइजर भेंट की। इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी दूसरी लहर जारी है, तीसरी लहर के लिए हमने जयपुर ग्रामीण में इंतजाम कर दिए हैं। हर CHC में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएंगे। जयपुर ग्रामीण में 13 CHC हैं, हर CHC में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने तीसरी लहर से भी निपटने के इंतजाम कर लिए हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र रेनवाल में हमने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसकी अनुमति हमें जिला कलेक्टर ने प्रदान कर दी है। राठौर ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोटपुतली के BDM अस्पताल में सरकार ने अपनी लापरवाही के चलते एक साल से वेंटिलेटर को कबाड़ बना दिया है। सरकार चाहती तो उन्हें समय पर काम में ले सकती थी। कोरोना आपदा जो अभी पूरे देश के सामने है, इसका सामना करने के लिए खास तौर से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए उसको मजबूत करने के लिए कलेक्टर साहब से बात करके, सभी CHCs के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करके, 13 CHCs जो चुनी गई जहां पर कोविड केयर सेंटर बनेगा, वहां पे जैसी सुविधा चाहिए थी मरीजों के लिए वैसी सुविधा पूरी करने के लिए, आज मैं आपको खुशी से कह सकता हूं कि ये जो 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं, इन 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से तकरीबन 100 बेड तैयार होंगे और फुली ऑक्सीजन सपोर्टेड ये बेड होंगे। आज की तारीख में जैसी ज़रूरत थी वो 100% ये पूरी करते हैं। उसके बाद भी कलेक्टर साहब से लगातार मेरी बात है, एक ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत थी तो वो भी रेनवाल के अंदर हम लगा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट, बाकी जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं जैसे कलेक्टर साहब ने बताया। उसके साथ साथ मैंने ये भी पेशकश की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रहे हों, अगर आप मुझे बताते हैं तो वहाँ से हम अपने साधनों से खरीद कर जयपुर कलेक्ट्रेट को, प्रशासन को दे देंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत कर दें। मैं सभी जो सुनने वाले हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो ढाल है कोरोना के खिलाफ वो यही है कि आप प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, स्वच्छता बना के रखें। दूसरा, जैसे ही लक्षण आते हैं तुरंत बिना घबराए डॉक्टर से संपर्क करिए, बात करिए, टेलीफोन पर ही हो जाएगा और पहले 6-7 दिन के अंदर ये कंट्रोल में आ जाएगा। गंभीर होने की अवस्था ही नहीं आएगी तो बिल्कुल घबराएं नहीं, प्रशासन के साथ हम सभी आपदा के अंदर कोई व्यक्ति अलग नहीं, कोई राजनीति नहीं, हम पूरी तरह से अपने ग्रामीण क्षेत्र की मदद के लिए तैयार हैं। सर, किस प्रकार की स्थिति है जयपुर जिले पूरे भर में? जैसा आपको विदित है कि जयपुर में अब पिछले दिनों में कोरोना संक्रमण का जो है संख्या घटी है, परंतु अभी भी पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। इस संदर्भ में यह महसूस किया गया कि इस कोरोना की सेकेंड लहर के दौरान कि जयपुर के लगभग सभी जो हॉस्पिटल्स थे वो फुल हो गए थे और ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग शहर की तरफ आ रहे थे। उसका मुख्य कारण था कि CHC पर पर्याप्त संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे, अतः इस पर विचार करके हमने 21 CHC जिले में उनको हमने कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया गया और मुझे खुशी है कि वर्तमान में वो सभी चालू हो गई हैं। उसको और सुदृढ़ करने के लिए जैसे माननीय सांसद महोदय ने मेरे से दूरभाष पर बात की, इनको मैंने CHCs की लिस्ट भी दे दी थी उनके क्षेत्र आने वाला, उनमें यह था कि कॉन्सेंट्रेटर्स प्लस यदि सिलेंडर्स उपलब्ध हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई अब इतना मुद्दा नहीं रहा है और कुछ CHCs पर राज्य सरकार द्वारा, कुछ पर दानदाताओं द्वारा, जैसा आपने कहा कि रेनवाल में ये खुद भी उसमें एक लगवा रहे हैं तो उसमें अपने बड़ी बड़ी CHCs पर अपने ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगवा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि ये जो कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ की जो लो ऑक्सीजन फ्लो के बेड हैं 5 लीटर तक के, उनका ये लाभ वहाँ पर मिल पाएगा लोगों को। और यदि अन्य कोई कोरोना की दूसरी तीसरी या चौथी लहर कोई आती है तो उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहीं ग्रामीण CHC पर ही ये पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे, ये ऐसा हमारा देह है। और इसमें काफ़ी हद तक अभी जैसे 13 CHCs में करीबन 100 कंसनट्रेटर हैं तो 7-8 कंसनट्रेटर ऑलरेडी मान लें करीबन 8-8 हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ऐसे 15 से 20 के करीब कॉन्सेंट्रेटर्स हो जाएंगे। हर महीने हम चाह रहे हैं कि 20 सिलेंडर उपलब्ध हो जाएं और उनको ऑक्सीजन सप्लाई हमने स्टार्ट कर दी। तो मेरा मानना है कि ये आने वाले समय में ये बड़ा लाभदायक रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम CHC पर ही, उनके डोर स्टेप पर ही ये जो मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करा जाएंगे। जैसा आपने देखा कि हमने एक बहुत बड़ा हथियार जो शामिल लिया था, मेरा गाँव मेरे जुम्मे, जो आज राज्य सरकार ने भी आपको देखा होगा कि हमने पुलिस प्रशासन ने और ग्रामीण क्षेत्र में मिलकर मेरा गाँव मेरे जुम्मे एक योजना शुरू की थी, एक अभियान शुरू किया था,
जिसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जीता हुआ सरपंच हो, हारा हुआ सरपंच हो, जो भी स्वास्थ्य मित्र हो, जो लोकल बॉडी हमारे जो ग्राउंड लेवल के फंक्शन है, उन सब के एक कमेटी बना के, और ये कहा था कि भाई लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करें और घर घर उनका सर्वे करके उनको मेडिकल किट्स जो भी आईएलआई सिम्टम्स में है उसको कराएं। अब पिछले 5 दिन से हमने उस पूरी व्यवस्था को रिवैम्प करके शहर से और ग्रामीण क्षेत्र में हमने त्रिस्तरीय एक व्यवस्था की है, जिसमें प्रत्येक सीएससी को हमने एक आरएस ऑफिसर के अंडर में किया है, जिसमें कि वो एक बीडीओ आरएस ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में आरएस ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे एक एक सुपरवाइज़र लगाए हैं, जो कि हर पीएचसी पर एक सुपरवाइज़र होगा, उनके अंडर में 10 से 15 की टीम हमने बनाई है, जो वो घर घर जाके सर्वे कर रही है, और उसमें जो भी आईएलआई सिम्टम्स के आदमी मिल रहे हैं उनको हम वहीं पर डोर स्टेप पर उनको दवाइयाँ सीएचओ के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका भी एक बड़ा लाभ अपने को आने वाले समय का, अगले 7 से 10 दिन में हम ये समझते हैं कि पूरे ज़िले को हम दोबारा एक बार घर टू घर सर्वे को पूर्ण कर लेंगे और सबको दवाइयाँ उपलब्ध करा पाएंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं उनके? रैपिड एंटीजन टेस्ट अभी कल से ही इन्होंने शुरू किया है, तो उसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उसको हम एसएमएस और एसएमएस को तो सीएमएचओ 1 के लिए और आरयूएचएस को सीएमएचओ 2 के लिए पोर्टल पर उनको अपलोड करवाना है। उनके जो भी आते हैं उनको हम आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ ही अपलोड करेंगे, उनको भी पॉजिटिव मानते हुए उनको वही दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, हमने ये भी निर्देश दे रखे हैं कि सीएचसी पर कोई आदमी आता है पीएचसी या सीएचसी पर और उसको यदि आईएलआई के सिम्टम है तो उनको वहाँ भी पैकेट तुरंत बिना जाँच के भी उनके इलाज उसी समय शुरू करवा दें और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया। सर, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, कितने लोगों का सर्वे अब तक, कितने घरों का सर्वे हो? करीबन कल जो परसों शाम तक 30 लाख के करीब, 27 लाख समथिंग जो है ना पॉपुलेशन को हमने कवर कर लिया था, और अपने यदि 80 से 90 लाख मान लो, मैक्सिमम 80 लाख मानते हैं, तो चूंकि बीच में 2 दिन बरसात का भी मौसम रहा था तो घर टू डोर टू डोर थोड़ा सा बाधित रहा था, अब चूंकि सही है तो उस अनुसार से मैं समझता हूँ 30 से 50 घरों का सर्वे पर डेली पर टीम कर पा रही है और मोर देन 3,300 से अधिक टीमें अपने जयपुर में काम कर रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ अगले 10 से 15 दिन में, 10 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।